लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों पूरे देश का सियासी माहौल गर्माया हुआ है। हर चौक चौराहा चुनावी चर्चों और किस्सों से गुलजार है। हरियाणा में भी ऐसा ही नजारा है। महज 10 लोकसभा सीटों वाला ये राज्य भले ही आकार में छोटा है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का पड़ोसी होने की वजह से यहाँ के नेताओं का सियासी वजन किसी भी बड़े सूबे के सियासतदानों से कम नहीं है। अब बात जब हरियाणा की सियासत की हो तो ये तीनों लाल, चौधरी देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल के जिक्र के बिना अधूरी है। राज्य से लेकर केंद्र तक की सियासत में अपना लोहा मनवाने वाले इन लालों की एक जमाने में तूती बोला करती थी। तीनों राज्य के मुख्यमंत्रियों से लेकर केंद्र में मंत्री तक बने ताऊ देवीलाल तो देश का प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। वहीं चौधरी बंसीलाल इंदिरा गांधी कैबिनेट में रक्षा मंत्री रहे तो गैर जाटों के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे जाने वाले भजनलाल राजीव गांधी सरकार में मंत्री रहे। इतना विराट सियासी कद होने के बावजूद इन लालों को चुनावों में प्रतिद्वंदियों ने धूल चटाई है। आज हम आपको उन्हीं लोकसभा चुनावों के बारे में बताने जा रहे हैं जब इन सियासी धुरंधरों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 5 लोकसभा चुनाव हारे देवीलाल। हरियाणा के साथ साथ देश में एंटी कांग्रेस राजनीति के सबसे बड़े सूत्रधारों में गिने जाने वाले चौधरी देवीलाल की गिनती आजाद भारत के कद्दावर नेताओं में होती है। उनका प्रभाव हरियाणा तक ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी फैला था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर राजनीतिक शख्सियत से टकराने की ताकत रखने वाले देवीलाल को चुनावी राजनीति में कई बार हार का सामना करना पड़ा। इसे यूं कहें तो तीनों लालों में देवीलाल ही ऐसे हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक बार 5 बार हार का सामना करना पड़ा। 1980 में सोनीपत लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे देवीलाल 1984 में अपनी सीट बचा नहीं पाए और कांग्रेस के धर्मपाल सिंह मलिक के हाथों सीट गंवा बैठे। 5 साल बाद जब देश में कांग्रेस के खिलाफ लहर चल रही थी तब देवीलाल ने 3 राज्यों की 3 सीटों से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हरियाणा के रोहतक, राजस्थान के सीकर से तो जीत मिली लेकिन पंजाब की फिरोजपुर सीट से हार गए थे। तब उन्होंने रोहतक सीट से इस्तीफा दे दिया था और सीकर से सांसद बने रहे। 2 साल बाद 1991 में देश में एक बार फिर चुनाव की नौबत आई। इस बार देवीलाल ने केवल रोहतक सीट से ही पर्चा भरा लेकिन उन्हें कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरा दिया। इस सीट से 1996 और 1998 में भी देवीलाल खड़े हुए और हर बार उन्हें हुड्डा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इमरजेंसी के बाद चुनाव हारे थे बंसीलाल। हरियाणा के कद्दावर जाट नेताओं में शुमार चौधरी बंसीलाल की गिनती कांग्रेस के उन नेताओं में होती रही है जिनकी भूमिका इमरजेंसी के दौरान काफी संदिग्ध रही। इंदिरा गांधी और खासकर संजय गांधी के बेहद नजदीकी रहे बंसीलाल इमरजेंसी के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री हुआ करते थे। आपातकाल के हटने के बाद हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरह देश में खासकर उत्तर भारत में कांग्रेस नेताओं को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, उससे बंसीलाल भी अछूते नहीं रहे। 1977 में हुए आम चुनाव में उन्हें भिवानी सीट पर भारतीय लोकदल के प्रत्याशी के हाथों 1.5 लाख से अधिक मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं बंसीलाल उस दौरान गिरफ्तार भी कर लिए गए थे। साल भर बाद ही करनाल की जनता ने भजनलाल को ठुकरा दिया। बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले भजनलाल को सियासत का पीएचडी कहा जाता है। जोड़ तोड़ की सरकार बनाने में माहिर भजनलाल गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते थे। साल 1998 में कांग्रेस ने उन्हें करनाल लोकसभा सीट से मैदान में उतारा था। पार्टी का ये दांव कामयाब रहा और उसने 1996 में बीजेपी द्वारा जीती गई सीट को छीन लिया। हालांकि एक साल बाद ही 1999 में जब देश में आम चुनाव हुए तो भजनलाल अपनी सीट बचा नहीं पाए और बीजेपी के आईडी स्वामी के हाथों बड़े अंतर से चुनाव हार गए। भजनलाल जैसा कद रखने वाले नेता के लिए ये हार कोई मामूली नहीं थी। बताया जाता है कि इस हार से भजनलाल कभी उबर नहीं पाए। बता दें कि हरियाणा में 2014 और 2019 के आम चुनावों में भी कई बड़े सियासी धुरंधरों को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी कई धुरंधर मैदान में हैं और कईयों के उतरने की चर्चा है। उनका चुनावी हश्र क्या होता है ये 4 जून को आने वाले नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।